नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूलकुमारी दीदी। आज तो आप सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। दीदी ये तो रक्षाबंधन की खुशी है। अच्छा लगता है आपको ये त्योहार बहुत पसंद है। हाँ दीदी, आज के दिन मेरी दीदी मुझे राखी बांधती है। वैसे तो मैं उनसे छोटा हूँ, पर आज के दिन मैं उनको उनकी रक्षा करने का वचन देता हूँ और उनके लिए उपहार भी लाता हूँ। इसलिए रक्षाबंधन तो मेरा मन पसंद त्योहार है। ये त्योहार तो सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है, चाहे भाई बड़ा हो या छोटा। बहन उन्हें राखी बांधकर हर परिस्थिति में उनसे रक्षा करने का वचन लेती हैं। घर के सभी सदस्य साथ बैठकर इस त्योहार को मनाते हैं, पर जरूरी नहीं सिर्फ भाई बहन ही ये त्योहार मनाएं। ब्राह्मण भी अपने यजमानों को धागा बांधकर उनकी मंगल कामना करते हैं और यजमान उन्हें उपहार व प्रयोजन का प्रबंध करने का वचन देते हैं। हम सब बच्चे भी अपनी संस्कार शाला में बैठकर रक्षाबंधन मना सकते हैं। हम एक दूसरे को राखी बांध प्रतिज्ञा करेंगे कि हम सब मिलकर रहेंगे और आपस में एक दूसरे की रक्षा करेंगे। वाह बड़ा मजा आएगा। बच्चों त्योहार तो हम मनाते हैं, पर क्या आप इससे जुड़ी कहानियों के बारे में जानते हैं? नहीं दीदी, पर कहानियाँ सुनना तो हमें बहुत पसंद है, सुनाइए ना। ये कहानी महाभारत काल की है। जब पांडवों ने राज सूर्य यज्ञ किया था, तब द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा श्री कृष्ण को बांधकर उनसे अपनी व पांडवों की रक्षा का वचन मांगा था। राज सूर्य यज्ञ मतलब? वैदिक काल से ही यह परंपरा है कि जब कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा रखते हुए यज्ञ कर अपना घोड़ा छोड़ देता है, तो जिन जिन दूसरे राज्यों से वह घोड़ा गुजरता है वे सभी यज्ञ करने वाले राजा की आधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई राजा उस घोड़े को रोक ले तो युद्ध होता है और जो जीतता है राज्य उसी का होता है। अच्छा, इसीलिए श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे और इसीलिए उन्होंने द्रौपदी और पांडवों की महाभारत की कहानी में हर जगह रक्षा भी की और मार्गदर्शन भी किया। हाँ, इसी के बाद से बहनों की भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन वेदों का अध्ययन करने वाले यानी वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इस दिन शिक्षा का आरंभ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी एक कहानी और सुनोगे? हाँ दीदी सुनाइए। पुराणों के अनुसार जब देवताओं ने दानवों पर आक्रमण किया था, तब युद्ध में दानव देवताओं पर हावी हो गए थे। देवों को हारते देख देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी बहुत घबरा गई और अपने पति इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए तप करने लगी। उस तप के फल स्वरूप इंद्राणी को एक रक्षा सूत्र प्राप्त हुआ। इस रक्षा सूत्र को इंद्राणी से लेकर शनि देव ने श्रावण मास की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पर बांध दिया था, जिसके बांधने से देवताओं की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने दानवों को हरा दिया। यानी ये रक्षा सूत्र या राखी जब बहन भाई को बांधती है तो भाई की शक्ति भी बढ़ जाती है। वाह ये राखी तो कमाल की चीज है। ये ही नहीं, राखी के इस त्योहार से जुड़ी कई कहानियाँ आपको भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण पन्नों में मिल जाएगी। और भी कहानियाँ हैं, सुनाइए ना। ठीक है, एक कहानी और सुनाती हूँ। इस कहानी का जिक्र वामन पुराण में मिलता है। असुरों का राजा बलि सबसे बड़ा दानी कहलाता था। उसे इस बात का बड़ा घमंड हो गया था कि कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जा सकता। उसका दानी होने का घमंड इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने 100 यज्ञ का प्रण लिया, जिनके पूरे होने पर असुर राजबलि अमर हो जाता। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया यानी एक छोटे से ब्राह्मण का रूप, और बलि से दान में सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। इस पर वामन का उपहास करते हुए घमंडी बलि ने पूरी सृष्टि में कहीं भी 3 पग जमीन वामन से लेने को कहा।
वरदान मिलते ही वामन ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया, इतना विशाल कि पहले पग में उन्होंने पूरी धरती ले ली और दूसरे पग में पूरा स्वर्ग ले लिया। अब तीसरा पग रखने की तो जगह ही नहीं बची, तो वामन ने बलि से पूछा, तीसरा पग कहाँ रखूं महाराज? एक छोटे से ब्राह्मण ने बलि से उसकी सारी संपत्ति ले ली। यह देख बलि का घमंड चूर चूर हो गया और उसने नतमस्तक होकर वामन से कहा, ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करें, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कृपया आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दें। वामन ने अपना रूप छोटा कर तीसरा पग बलि के सर पर रख दिया और दबाव से बलि को पाताल में पहुंचा दिया। फिर वामन अपने विष्णु रूप में प्रकट होकर बोले, तुम्हारा अभिमान खंड हुआ, अब तुम पाताल लोक पर सुराज्य करो और मुझसे तुम एक वरदान भी मांग सकते हो। दीदी फिर बलि ने क्या मांगा? बताती हूँ। अब पाताल लोक के स्वामी बने राजा बलि ने वरदान स्वरूप भगवान विष्णु से पाताल में ही रहने का निवेदन किया, तो वचनबद्ध विष्णु अब पाताल में रहने लगे। देवताओं को स्वर्ग लोक वापस मिल गया, परंतु इस बात से भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल यानी परेशान हो उठी। भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण करा और पाताल लोक पहुंच गईं। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। अच्छा भाई बना लिया, अब तो कुछ उपहार भी मांगेंगी। सही समझे, जब बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने बड़ी चतुराई से भगवान विष्णु को बैकुंठ भेजने के लिए निवेदन किया। अब राखी के सूत्र में बंधे राजा बलि को बहन की इच्छा पूरी करनी पड़ी और विष्णु को जाने दिया। पर जाते जाते भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि चतुर्मास की अवधि में वे अब भी पाताल में ही निवास करेंगे। तभी से भगवान विष्णु 4 महीने पाताल में निवास करते हैं। वाह, ये तो बड़ी रोचक कहानी है। इसे सुनकर तो राखी यानी रक्षा सूत्र के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई है। इस कहानी पर आधारित ये मंत्र भी है जिसे हम लोग राखी के मंत्र के रूप से जानते हैं। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः येन त्वानुबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस बंधन से राजा बलि बंध गए थे उसी बंधन यानी राखी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न होना यानी अपने वचन पर टिके रहना, स्थिर रहना, बने रहना। ये मंत्र ब्राह्मण भी रक्षा सूत्र बांधते वक्त आपको धर्म की राह पर कायम रहने के लिए प्रतिबद्ध करते हुए बोलते हैं। समझे? हाँ दीदी, रक्षा सूत्र या राखी कोई सुंदर सा साधारण धागा नहीं, बल्कि उसके बंधने से हम पर बांधने वाले के प्रति वचनबद्धता हो जाती है। राखी पर्व के बारे में आज बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। जय माँ भारती। जय माँ भारती।